हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम अली और आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में कि डार्क वेब क्या है, कैसे काम करता है और किस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में जो डार्क वेब है खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसकी एक पूरी सीरीज निकालने वाले हैं। अगर आप डार्क वेब के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो से आप अपडेट रहे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डार्क वेब क्या है, कैसे उसको हम एक्सेस करते हैं और कैसे हम पहचानें कि डार्क वेब का हिस्सा है या नहीं है। आने वाली वीडियो की सीरीज में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं डार्क वेब पे बिना ब्लॉक हुए, कैसे हम ब्लैक मार्केट और बाकी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और एनोनमस तरीके से मेल्स वगैरह भेज सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चैट रूम्स की कि किस तरीके से हम डार्क वेब पे चैट रूम बना सकते हैं या फिर किसी चैट रूम का पार्ट बन सकते हैं। तो अभी के लिए जानते हैं कि डार्क वेब आखिर है क्या। तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जो हमारा इंटरनेट है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला पार्ट आता है सरफेस वेब या क्लियर वेब का, जिसमें वो सारा कंटेंट आता है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होता है। जैसे आप कुछ भी जो चीज़ें गूगल पे सर्च कर रहे हो, यूट्यूब हो गया, फेसबुक की पोस्ट हो गई, ये सारी चीज़ें जो पब्लिकली अवेलेबल होती है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है वो हमारे सरफेस वेब के अंदर होती हैं। दूसरा पार्ट इसके अंदर आता है डीप वेब का। तो डीप वेब में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे जीमेल अकाउंट हो गए, किसी भी सोशल मीडिया का चैटबॉक्स हो गया। तो उन सबको एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए और उसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय आपके। तो उस इंटरनेट के पार्ट को बोलते हैं डीप वेब। और लास्ट में हमारे पास आता है डार्क वेब, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है और वहाँ पे अगर आप कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हो तो वहाँ पे ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, जिसपे कि आप काफ़ी हद तक अपने आप को अनोनमस कर सकते हो, अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। तो जो हमारा सरफेस वेब या क्लियर वेब है, अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है, बाकी हमारा डीप वेब 90% है और जो बाकी का बचता है वो 6% हमारा डीप वेब पे है। अब डीप वेब को एक्सेस करने के लिए हमें एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं टॉर ब्राउज़र। आप एक नॉर्मल ब्राउज़र से डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते, और ज़्यादातर जो हैकर्स हैं वो टॉर ब्राउज़र का यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके। वो मल्टीलेयर प्रॉक्सी पे काम करता है, जो भी आपकी आईपी है उसको टॉर ब्राउज़र मास्क कर देगा एक दूसरी आईपी से, और हर एक नोड पे आपकी जो आईपी है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जब मल्टी आईपी का यूज़ करोगे तो आपको ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी 100% प्रूफ नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉर ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो आपको ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि आपको ट्रैक किया जा सकता है। तो टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है टॉर, जैसे आप टॉर सर्च करते हो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉर प्रोजेक्ट, आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके यहाँ पे आप देखोगे डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने डिवाइस का प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ऐसे विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो मेरी फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, तो मैं ऐसे वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो अभी टॉर ब्राउज़र डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जहाँ पे भी आपको इसे इंस्टॉल करना है पहले इस सेटअप को वहाँ पे कॉपी कर लेना है। अभी हमें इसे डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना है, तो मैंने इसे डेस्कटॉप पे कॉपी किया हुआ है। तो सेटअप पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे बाकी एप्लीकेशंस का होता है, तो आप आसानी से इसको इंस्टॉल कर लोगे। टॉर ब्राउज़र ओपन हो चुका है, अब हम सिंपल यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करके इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो टॉर ब्राउज़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अब यहाँ पे आप आसानी से डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो भी चीज़ें सर्च करोगे वो सारे के सारे डार्क वेब का पार्ट है। उसके लिए कुछ लिंक्स होते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए कुछ पार्टिकुलर ब्राउज़र जो कि हमारा टोर है और कुछ पार्टिकुलर लिंक्स लगते हैं जिनके थ्रू हम डार्क वेब पे जा सकते हैं। तो उन लिंक को कैसे पहचाने कि ये जो लिंक है वो डार्क वेब का है या हमारी सरफेस वेब का है? तो जितने भी डार्क वेब के लिंक होते हैं उसके लास्ट में जो एक्सटेंशन लगता है वो .com .in नहीं बल्कि .onin लगता है। जैसे हमारी एक वेबसाइट है विकीपीडिया, उसी का डार्क वेब वर्जन जो है वो हिडन विकी के नाम से है। तो हम उसके बाद सर्च कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेस्ट हिडन विकी लिंक एंड डार्क वेब हिडन सर्विस लिंक। तो आपको इन वेबसाइट्स को चेक करके उस लिंक को ढूंढ लेना है जो कि .onin पे ख़त्म होता है। अब आपको यहाँ पे लिंक दिख जाएगा, जो लिंक है डार्क वेब का लिंक है जो कि .onin पे ख़त्म होता है। अभी जो ये पेज आपके सामने ओपन हो क्या है, ये विकीपीडिया का डार्क वेब का वर्जन है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप सर्च करोगे वो सारे के सारे डार्क वेब का हिस्सा है, ना कि सरफेस वेब का। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से हम डार्क वेब के जो वेबसाइट्स हैं उनको पहचान सकते हैं या फिर टोर ब्राउज़र को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि हम फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया को या ईमेल्स को कैसे डार्क वेब पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली facebook.com सर्च करते हो टोर ब्राउज़र के अंदर तो डार्क वेब का हिस्सा नहीं होगा और वहाँ पे मल्टीपल प्रॉक्सीज की वजह से फेसबुक आपकी आईपी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। तो हम कैसे अपने फेसबुक अकाउंट्स को डार्क वेब पे क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा किस तरीके से हम चैट रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं डार्क वेब पे लोगों से बात करने के लिए, किस तरीके से हम अलग अलग सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि किसी हैकर को हायर करना है या फिर बाकी चीज़ें, वो चीज़ें कर सकते हैं, और कैसे और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं डार्क वेब पे उनको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और अपने आप को अनोनमस रख सकते हैं। अभी हमने जो सिक्योरिटी का एक ही लेवल बताया था जिसमें हमने टोर ब्राउज़र को यूज़ किया, टोर ब्राउज़र के अलावा और क्या क्या सिक्योरिटी के लेवल्स हो सकते हैं जिससे हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सारे वीडियोस से अपडेट रहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।